और हम लड़ते रहेंगे। जो हारे हैं उसको स्वीकार करेंगे, जो जीते हैं उसको बधाई देंगे। डेमोक्रेसी में एक दिन की हार जीत परमानेंट नहीं रहती। गुजरात में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा कांग्रेस पार्टी का। हाँ, गुजरात में जो प्रदर्शन है वो बेहद निराशाजनक रहा कांग्रेस पार्टी का। वो तो हो गया है, उसके बारे में मैं क्रेडिट तो नहीं ले रहा हूँ ना उसके लिए। जो हारे हैं उसको स्वीकार करेंगे, जो जीते हैं उसको बधाई देंगे, और जो आगे करना है और हम लड़ते रहेंगे। भाई ये डेमोक्रेसी में एक दिन की हार जीत परमानेंट नहीं रहती है। डेमोक्रेसी में हार जीत तो होती है, लेकिन अपने उसूल तो हम नहीं छोड़ने वाले ना। ये तो आइडियोलॉजिकल फाइट है हमारी, इसमें हार जीत तो होती है और हम देखेंगे फिर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। जहाँ कुछ कमियां हैं उसको भी ठीक करेंगे और लड़ते रहेंगे। मेरे अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद ये जो रिजल्ट निकला इसकी बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश हम जीते हैं, इसीलिए मैं सभी वहाँ के लोगों को, मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ। और वहाँ जो हमारे कार्यकर्ता और मुखिया जो भी काम किए हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, सीएलपी लीडर हो, इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हो, इलेक्शन में जो भी काम किए हैं, उन तमाम लोगों के कोशिशों के वजह से ये रिजल्ट निकला है। और मैं धन्यवाद उनको भी करता हूँ जो प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, वो भी इसमें हमको मदद की है। और हमारी सर्वश्रेष्ठ नेता सोनिया गांधी जी का भी हमारे साथ, उनके ब्लेसिंग्स हैं, तो हम जीते हैं। तो एक खुशी की बात है, मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है।